मुझे याद है दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब हमारे हाथ में वीडियो गेम के डब्बे हुआ करते थे। स्टैंडर्ड वीडियो गेम के स्पेशली डिवाइसेस बनाए जाते थे जिसमें 3 या 4 वीडियो गेम्स होती थी, जिसको आराम से बैठ के हम खेलते थे। अगर बैटरी खत्म हो जाए तो उसमें हम नॉर्मल बैटरी के सेल रिप्लेस करके उसको यूज करते थे। लेकिन ऐसा लगता है अब वो जमाना वापस आने की तैयारी में है, क्योंकि आसूस कंपनी ने स्पेशली गेमिंग के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया हुआ है, और इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गेमिंग यूजर्स के लिए। जो लोग स्पेशली गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकेशन बहुत ही काम की है। दोस्तों आसूस कंपनी ने लॉन्च किया है आसूस रोग एली एक्स डिवाइस, जो कि बेसिकली एक गेमिंग डिवाइस है जिसमें टच स्क्रीन पे बटन आप यूज अगर करना नहीं चाहते हो तो ट्रिगर्स और बटन आपको साइड में मिलेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देंगे 6 इंच 7 इंच से जो लोग गेम खेलते हैं उनके लिए। तो ये एक डिवाइस बहुत ही काम का होगा जो गेमिंग यूजर्स है, जो कहीं पे भी गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और प्ले स्टेशन के तरह सिमिलर एक्सपीरियंस भी इसमें मिल पाएगा। कैसे, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखें, उनकी स्पेसिफिकेशन प्राइजेस सब कुछ काफी कमाल का है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको टेक टेबल 360 पे 360 डेज मिलते रहेंगे। दोस्तों एक बेसिक गेमिंग डिवाइस से ऊपर आसूस रोग एली एक्स ऐसा आपको क्या दे रहा है जिसकी वजह से ये डिवाइस जो है आपको खरीदना चाहिए। बेसिकली बात करें अगर प्रोसेसर की तो यहाँ पे काफी अमेजिंग और सुपर फास्ट प्रोसेसर आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो AMD Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर है, साथ ही रेडियन का जो GPU है वो इसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा देगा। तो काफी अमेजिंग प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिला हुआ है। रैम की बात करें तो यहाँ पे 24 GB की रैम आपको मिल रही है। जी हाँ, गेमिंग करने के लिए आपको 24 GB की रैम मिल रही है। स्टोरेज की अगर बात करें तो 1 TB स्टोरेज है आपके पास यहाँ पे, और जिससे आप 4 TB तक एक्सपेंड भी कर पाओगे। जी हाँ, यानी कि जितने चाहो उतने गेम आप इसमें डालते जाओ, खेलते जाओ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा। अब बात करें अगर डिस्प्ले की, क्योंकि एक गेमिंग एक्सपीरियंस अगर हटके करना है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे करना है, तो डिस्प्ले अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिला है वो HD+ डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, और साथ ही यहाँ पे आपको 500 nits की कलर ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए ये ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहेगी। ग्राफिक्स वगैरह को आप अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा गेमिंग कंट्रोल्स के लिए बटन ट्रिगर्स वगैरह तो होंगे ही होंगे, और साथ ही जो सबसे स्पेशल बात मुझे इस डिवाइस की लगी है वो है इसका वेट। जस्ट 680 ग्राम्स इसका वेट है। आप फोन को जो भी आप फोन यूज कर रहे हो 200-300 ग्राम का होता है, जिसमें बटन्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको जो डिवाइस दिया गया है उसका वेट सिर्फ 680 ग्राम्स ही है। यानी कि गेमिंग करते टाइम आपको दोनों हाथों से अगर ये डिवाइस को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो कोई ज्यादा आपको हैवी वेट यूज नहीं फील होगा। क्योंकि गेमिंग के लिए मैं अगर पर्सनली अगर गेमिंग की बात करूं तो यस, रिमोट एक्सपीरियंस जो होता है जहां पे बटन ट्रिगर्स होते हैं उस तरह से डिवाइस को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आता है, ना कि टच स्क्रीन पे कंट्रोल्स पे टैप टैप करते रहो, बट यस बटन्स और ट्रिगर्स के साथ गेमिंग करने में ज्यादा मजा आता है। और यही बात आसूस ने पकड़ ली गेमिंग यूजर की, आसूस रोग एली एक्स डिवाइस को लॉन्च कर दिया। इसका प्राइस जो है वो अगर डिस्कस करें तो यस, इसका प्राइस रेंज काफी ज्यादा होगी, बिकॉज रैम स्टोरेज प्रोसेसर GPU सब कुछ जो है वो A1 क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिला है। तो प्राइस इसकी जो है तकरीबन 89,000 के आसपास रहने वाली है, तो इससे समझ के ही लेना अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए। आईफोन के ऑप्शन में अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले लो, और दूसरा एंड्रॉइड फोन ले लेना, गजब बेइज्जती है। I'm just joking. So, इस तरह से आप जो है अगर पूरी तरह से गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उठते बैठते सोते किसी भी तरह से, तो ये डिवाइस आपके लिए काम का होगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। आसूस की प्रोडक्ट है, हार्डवेयर काफी ज्यादा इसमें अच्छा दिया जाता है। ओवरऑल अगर देखें तो रैम प्रोसेसर स्टोरेज सब कुछ जो है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर इसको रेटिंग दे, इस डिवाइस को अगर एक गेमिंग डिवाइस की तरह इसको एक रेटिंग दे तो 4.2 out of 5 इसको आराम से दे सकते हैं। और देखिए आपकी चॉइस है, आपको डिवाइस खरीदना नहीं खरीदना ये आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप वैसे तो मोबाइल में भी गेमिंग की ही जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है जो कि आप वेस्ट करना चाहते हो, गेमिंग के पीछे डालना चाहते हो, वेस्ट करना तो नहीं बोल सकते लेकिन गेमिंग के पीछे डालना चाहते हो सिर्फ, तो आप इस डिवाइस को खरीद सकते हो। इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई योर गेमिंग एक्सपीरियंस। आई होप आसूस रोग एली एक्स का ये जो रिव्यू था, जो स्पेसिफिकेशन था, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस टेक्टेबल 360 पे जो कि गैजेट्स से जुड़े होते हैं, गैजेट्स के स्पेसिफिकेशन से जुड़े होते हैं, गैजेट्स के गाइडेंस से जुड़े होते हैं, आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। मैं प्रतीक आपका होस्ट, दोस्त आपको मिलूंगा टेक्टेबल 360 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।
जय हिंद।